Hello guys, a quick short informational video for you guys. Ultimate Nutrition Company जो है इंडिया में एक टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोटीन था, जिसका वो न्यूज़ आई है कि वो बंद हो गई है. हुआ ऐसे कि जो इसके एम्प्लॉयज़ थे, जब वो फैक्ट्री पहुँचे फार्मिंगटन में, यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी फैक्ट्री है, वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने नोटिस लगा देखा कि योर एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम अगस्त 17. तो 17 अगस्त से ये उनको न्यूज़ मिली. तो करीब कुछ बंदे बोल रहे हैं 100 एम्प्लॉयज थे कंपनी के, और या दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड मुझे भी दुख है इस बात का कि ये हुआ. रिगार्डलेस ऑफ मेरा जो भी उनके साथ था लीगल नोटिस का पंगा या कुछ भी लफड़ा, उन्होंने मुझे भिजवाया इंडिया का सबसे महंगा वकील हायर करके, राइट. लेकिन जो बंदों की टर्मिनेशन हुई है, मतलब जो बंदे अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनके लिए थोड़ा दुख होता है. लेकिन आई एम श्योर दे विल फाइंड न्यू जॉब्स बिकॉज दे आर लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट. और एक टाइम पे ये कंपनी इतने बड़े बड़े ओलंपिया इवेंट्स को स्पॉन्सर करती थी, और फिल हीथ, डेक्स्टर जैक्सन जैसे एथलीट्स भी थे इनके पास. लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से कोई एथलीट्स इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ था. और 2014 में भी ये कंपनी बैंक्रप्ट हुई थी, बंद हो गई थी कुछ टाइम के लिए. लेकिन 2016 में इसने फिर बाउंस बैक किया था और फिर ऑपरेशन में आ गई थी. लेट्स सी व्हाट हैपन्स दिस टाइम. अभी तक तो यही है कि बंद हो गई है. तो जो भी आप यूज़ करते हो, शायद अब तो आपको मिल जाएगा जो सर्कुलेशन में होगा, लेकिन फ्यूचर में आने वाले कुछ महीने, आने वाले टाइम में आपको नहीं मिलेगा. और जो कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने बताया कि पिछले कुछ टाइम से इनके हाल ठीक नहीं चल रहे थे. यानी कि जो मशीन्स वगैरह ख़राब थी वो भी कंपनी ठीक नहीं करवा रही थी, और प्रोडक्शन जो थी बहुत कम हो गई थी. इस सबसे बात ये निकल के आती है, एक सीख वाली बात ये है कि कोई भी, मतलब कुछ नहीं पता होता भगवान किसी को कहाँ से कहाँ ले आता है, राइट. तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए. कि आज हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए कि आज हम अगर ऊपर एक ऊंची पोजीशन पे हैं तो हम हमेशा ऐसा ना सोचें कि हम हमेशा ऊपर रहेंगे, राइट. या हम एक नीची पोजीशन पे हैं, ऐसा ना सोचें हमेशा नीचे रहेंगे. सबका टाइम बदलता है. तो जैसे कि हमारी गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरबाणी में भी लिखा है एक बात ऐसी कि पेखारी ते राज करावे, राजे ते पेखारी. इसका मतलब ये है कि अगर भगवान चाहता है तो एक भिखारी को भी राजे की पोजीशन में पहुंचा देता है, यानी कि भिखारी को भी राजा बना देता है, और अगर वो चाहे तो एक राजे को भी भिखारी बना देता है. सो हमेशा उससे डर के रहें, ऐसे काम ना करें, अपनी पावर का मिसयूज़ कभी ना करें. तो दैट्स इट, ये एक इन्फॉर्मेशन थी. वंस अगेन रिगार्डलेस मेरा उनके साथ जो भी था सीन, ठीक है, लेकिन आई स्टिल फील बैड. एक टाइम पे मैं भी उसको यूज़ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे पता लगा कंपनी की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है. मैंने इनफैक्ट अपने चैनल पर भी बोला था कि अच्छा प्रोटीन है एक टाइम पे, 2017 की बात है वो, लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी रिड्यूस होने लगी. तो दैट्स वाई आपको पता ही है क्या हुआ, ठीक है. दैट्स इट, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जो कि आने वाली है डायनामोल के साइड इफेक्ट्स, जो आपको कोई नहीं बताता है पूरे डिटेल में. सो मेक श्योर अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और इसको आपने देखा ही होगा, मेरे डॉग को, इसका नाम है बडी, राइट. सो बाय बाय, थैंक यू.